हेलो गाइस, क्या हाल चाल है यार। आई होप सब लोग बढ़िया हुए थे। आज हम बात कर रहे हैं हाउ टू A124 बेस्ट कैरेक्टर स्किल है, जिसे आप लोग यूज करके CS:GO आप लोग खेलते हो तो आप लोग काफी आसानी से आप लोग हर मैच भूया कर पाओगे काफी इजीली गाइस। क्योंकि भाई A124 को बहुत लोग यूज नहीं कर सकते यार, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं है कि इसकी स्किल क्या है, ठीक ना। तो आपको पूरा फुल डे बताना है तो हाउ टू A124 बेस्ट कैरेक्टर स्किल है, जिसे आप लोग यूज करके कोई से मैच हो काफी आसानी से आप लोग भूया कर पाओगे काफी इजीली गाइस, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट कैरेक्टर में या टू कैरेक्टर में आपको यूज करना है A124 गाइस, ठीक ना। A124 वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर है यार। ये भी टू कैरेक्टर है जिसे आप लोग बहुत लोग यूज नहीं कर सकते हैं, यूज नहीं करते नहीं है, ठीक है। जो यूज नहीं करते हैं क्योंकि इसकी स्किल है उन लोगों को पता ही नहीं है, ठीक ना। तो आपको पूरा फोन बता रहा हूँ कि इसका स्किल क्या है गाइस। देखिए ये क्या करता है, एक 8 मीटर का इलेक्ट्रिक शॉट मतलब भेजता है, ठीक है, फेंकता है, जिसे वो बंदर के सामने अगर पड़ता है गाइस तो बंदर यहाँ पास उसका स्किल है, उसका एक्टिव स्किल है, पूरा सब कुछ यहाँ पास ब्लॉक हो जाता है गाइस, ठीक है ना। कितने 30 सेकंड के लिए जिसे आप इलेक्ट्रिक शॉट फेंकोगे तो बंदर के यहाँ पास 25 का यहाँ पास डैमेज भी लगेगा, ठीक है। 25 से यहाँ पास डैमेज लगेगा उस इसके इलेक्ट्रिक के अंदर, कितने बंदे आ जाए, जैसे 50 बंदे आ जाए, 60 बंदे, कितने बंदे आए, 4-5 कितने बंदे आ जाए, सब बंदे को काफी इजीली वापस मार देगा यहाँ पास ये इलेक्ट्रिक वायर का, ठीक ना। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पास, देखो सामने बंदा आ रहा है यहाँ पर, देखो मैंने उसको डैमेज दिया, काफी ज्यादा डैमेज दिया, देखो बंदा नॉक हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पास मेरे ग्रेनेड है, मेरे पास जैसे ग्रेनेड को फेंकूंगा, देखो मैं ग्रेनेड फेंका तो क्या हुआ, सामने में एक बहुत बंदा उसे बचाने के लिए आ गया है, ठीक ना। देखो बचाने के लिए आ गया तो मैं क्या किया, देखो A124 को यूज किया, देखो यूज किया, देखो सामने बंदे भाग रहा था उसको नॉक कर दिया, देखो ये बंदा इसको रिवाइव करने आ रहा था, उससे मैंने काफी इजीली बंदे को मार दिया और ये मैच को मैंने काफी इजीली यहाँ पर भूया कर लिया गया, ठीक ना। ये क्या करती है, सारे बंदे का स्किल ना उसको ब्लॉक कर देती है और बंदा यहाँ बस नूब बन जाता है इजीली गाइस, ठीक ना। तो आप बात करते हैं स्किल में कौन फर्स्ट कैरेक्टर को यूज करना है, तो आपको फर्स्ट कैरेक्टर स्किल में आपको यूज करना है लूना कैरेक्टर का, ठीक है। लूना कैरेक्टर पता है यार, वन द बेस्ट कैरेक्टर है यार, इसे आप लोग यूज करोगे ना स्किल में यूज करोगे A124 में तो बता रहे आप लोग हर मैच काफी इजीली आप लोग भूया कर पाओगे यार। क्योंकि भाई आप लोग अगर गन करते हो तो उसका यहाँ पर रेट ऑफ फायर 8% यहाँ पर बढ़ाता है यार, जिससे आप लोग बंदे पे नॉक करते हो तो आपको यहाँ पर मूवमेंट स्पीड यहाँ पर 15% यहाँ पर बढ़ जाता है, ठीक ना। जिससे आप लोग यूज कर गए तो आप लोग काफी आसानी से आप लोग हर मैच काफी इजीली आप लोग भूया कर पाओगे CS रैंक में, ठीक ना। तो आप देखते हैं इसका छोटा वीडियो को बता रहा हूँ कि आप लोग लूना कैरेक्टर का यूज कैसे करोगे। देखिए सामने में बंदा है यहाँ पास, मैंने A124 का यूज किया, देखो ये उस बंदा नॉक हो चुका है, देखो एक बंदा आया जैसे हमारा टीममेट नॉक कर दिया, ऐसा उन्होंने पूरा क्लियर कर दिया, हमारे पास हमको MP मिल गया, तो हम क्या करें, देखो इतने स्पीड से मैंने रश कर दिया, देखो एक बंदा नॉक हो चुका है, देखो ये बंदा जो है चुपचाप तरह खड़ा था, उसको कुछ समझ में नहीं आया कि मेरे साथ क्या हो गया है, मेरा स्पीड कैसे ब्लॉक हो गया है, उसे मैंने काफी आसानी से बंदे को मार दिया गया, ठीक ना। अब बात करते हैं कि सेकंड स्किल में कौन सा कैरेक्टर का यूज करना है, तो सेकंड कैरेक्टर का यूज करना है दशा कैरेक्टर का। दशा कैरेक्टर वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर यार, इसे अपडेट बाद चेंज कर दिया गया है तो काफी इसको पावरफुल बना दिए गए, ठीक है ना। जैसे लूना कैरेक्टर ना उसकी आप लोग बड़े बहन भी हो सकता है यार, ये उसकी बड़ी बहन है गए, ठीक ना। क्या करती है लूना कैरेक्टर, आपको 8% यहाँ पर रेट ऑफ फायर मिलती है, लेकिन आपको दशा कैरेक्टर ना वो आपको 18% यहाँ पर रेट ऑफ फायर मिलता है और यहाँ पर 12% यहाँ पर मूवमेंट स्पीड मिलता है, ठीक है ना। अगर आप दोनों को मिला दोगे ना तो आपको मूवमेंट स्पीड है काफी ज्यादा हाई हो जाएगा, ठीक ना। देखो ये क्या करती है, आपको 6 सेकंड के लिए आपको रेट ऑफ फायर मिल जाएगा 18% यहाँ पर और यहाँ पर 12% आपको मूवमेंट स्पीड मिल जाएगा, ठीक है, 6 सेकंड के लिए। अगर आप लोग 6 सेकंड अंदर किसी और बंदे को नॉक कर देते हो तो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर 4% आपको रेट ऑफ फायर मिल जाएगा और यहाँ पर 3% आपको मूवमेंट स्पीड मिल जाएगा, ठीक ना। मतलब बराबर आपको 22% आपको रेट ऑफ मिल जाएगा और आपको 15% आपको बस मूवमेंट स्पीड मिल जाएगा, वो काफी जबरदस्त है, ठीक ना। इस कैरेक्टर का आप लोग यूज कर देना स्किल में A124 के साथ, आप लोग बता रहा हूँ आपके गन इतना स्पीड चलेगा कि आप लोग अपने गन को संभाल नहीं पाओगे, ठीक ना। तो आप लोग क्या कर गए, आपको सेकंड कैरेक्टर स्किल में आपको यूज करना है दशा कैरेक्टर का, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पास वो सामने में बंदा था, मेरे को पता था सामने में बंदा था, तो मैंने क्या किया A124 को यूज किया और फास्ट यहाँ पास दौड़ते हो गया ऊपर गया मैं, ऊपर जैसे बंदा चुपचाप खड़ा था वो जब बंदा पूरा बकाया कर रहा था कि मेरे साथ क्या हो गया है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मेरे पास ग्रेनेड था, ग्रेनेड कुक किया मैंने और कुक करके फेंका मैंने, कभी बंदा भी नहीं मरा, तो मैं क्या किया यहाँ पास गया दशा कैरेक्टर स्किल यूज किया और वह भी बंदे को आसानी से बंदे को नॉक कर दिया और यहाँ पास लास्ट बंदे है वो बस से आदमी थोड़ा वेट किया, तो सामने में वेट किया मैंने और दशा कैरेक्टर यूज करते हो तो इसका स्पीड है
आप लोग देखो कितना स्पीड यहाँ पर गन स्पीड चलता है यार। अगर बंदे को नॉक करते हो तो आप लोग इसका स्पीड ना और यहाँ पर काफी ज्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। सामने में बंदा है तो उसने वॉल लगाया है, अब देखो दस अगर तक स्किल पावर, देखो कितना स्पीड से बॉल फोड़ दिया, देखो देखो आप देखो लाइव प्रूफ यहाँ पर कितना स्पीड से फोड़ रहा है और बंदे भाई कुछ नहीं कर पाया। और ये मैच तो मैंने काफी आसानी से पूजा कर पाया वो भी दशक कैरेक्टर की मदद से, गए ठीक है ना। आप बात करते हैं लास्ट कैरेक्टर में कौन सा कैरेक्टर को यूज करना है, तो आपको लास्ट कैरेक्टर को यूज करना है तो कैरेक्टर का, ठीक है। तो कैरेक्टर आपको पता होगा वन द बेस्ट कैरेक्टर है यार। अगर आप लोग A124 का यूज करोगे उसका रस करोगे तो ये हायतो कैरेक्टर है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपको मिलने वाला है, ठीक ना। आप लोग ये रस करोगे तो आपको थोड़ा बहुत डैमेज मिलेगा, तो क्या करेगा ये हायतो कैरेक्टर है ना उसे आपको वही मदद मिलेगा और आप लोग बंदे को काफ़ी इजीली बंदे को मार सकते हो, ठीक ना। क्योंकि इसका एबिलिटी यूजिंग यार आपको डैमेज मिलता है तो इसके डैमेज है ना वो काफ़ी ज़्यादा पर हाई हो जाता है, ठीक है ना। अगर आप लोग इसे यूज़ नहीं कर सकते हो, अगर हम यूज़ नहीं करना चाहते यार, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग यहाँ पास जोटा कैरेक्टर का यूज करना है, ठीक ना। आप लोग है तो कैरेक्टर या जोटा कैरेक्टर यूज करना, अगर आप लोग यूरस करते हो बंदे को अगर नॉक करते हो, अगर आपका HP कम हो जाता है तो क्या करेगा, आपका HP है ना वो आपको यहाँ पास 40 HP एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है। जैसे बंदे को नॉक करोगे आपको यहाँ पास 40 HP मिल जाएगा तुरंत, फिर बंदे को अगर नॉक करोगे तो फिर आपको 40% आपको यहाँ पास 40 HP मिल जाएगा तुरंत, ठीक ना। तो समझ गए आपको कौन कौन सा कैरेक्टर का यूज़ करना है, तो आपको फर्स्ट कैरेक्टर में यूज़ करना है A124 को यूज़ करना है फर्स्ट कैरेक्टर में यार, एक्टिव कैरेक्टर में। बात करते हैं स्किल में, तो फर्स्ट स्किल में आपको यूज़ करना है लूना कैरेक्टर का, ठीक है। लूना कैरेक्टर फर्स्ट स्किल यूज़ करना है। सेकेंड आपको यूज़ करना है दशा कैरेक्टर का, दशा कैरेक्टर यूज़ करना, आप लोग कोई सा मैच हो काफ़ी इजीली आप लोग भूया कर पाओगे, ठीक ना। अब अगर लास्ट में कौन सा कैरेक्टर यूज करो, तो आप लोग अगर मर्जी है तो आप लोग हैतो कैरेक्टर का यूज़ करना, नहीं तो आप लोग जूटा कैरेक्टर का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक ना। इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को यूज़ कर देखो यार, आप लोग काफ़ी आसानी से आप लोग हर मैच भूया कर पाओगे काफ़ी इजीली गाइस, ठीक ना। तो ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन कैसे लगे यार मेरे कमेंट करके जरूर से बताना, ये अलग कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन कैसे लगा, हाउ टू यहाँ पास A124 कैरेक्टर स्किल गाइस, ठीक ना। तो कमेंट करके जरूर बताना ये कैरेक्टर स्किल कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत गाइस।